तरीके से प्रदर्शन किया है वो लाजवाब है। आज से पहले इतनी सशक्त टीम इंडिया पहले शायद ही कभी नजर आई हो। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर मामले में भारतीय खिलाड़ी लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। इसी को लेकर प्रयागराज में संगम के तट पर VIP घाट पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैंड आर्ट कलाकार अजय गुप्ता ने सैंड आर्ट बनाकर भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में जीत की अग्रिम बधाई दी है। बताया जा रहा है कि रविवार को कंगारू के साथ भारतीय क्रिकेट टीम भिड़ेगी, जिसको लेकर प्रयागराज सहित पूरा देश भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता बनने की दुआएं भी कर रहा है। साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार प्राप्त है सेंट आर्ट कलाकार अजय गुप्ता ने अब तक सैकड़ों सेंट आर्ट बनाया है, बनाकर प्रयागराज के सहित दुनिया भर के लोगों को सेंट आर्ट के माध्यम से तमाम जागरूकता संदेश भी दे चुकी है। तो बता दें कि वर्ल्ड कप का कल फाइनल है, जिसको लेकर अभी से टीम इंडिया को बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। हम प्रयागराज से बात करें जहां पर सेंट आर्ट ने टीम इंडिया को बधाई दी है अपने सेंट आर्ट की कलाकारी को दिखाते हुए, और उन्होंने एक आर्ट बनाया है जिसमें उन्होंने टीम इंडिया को अग्रिम बधाई दी है कल के मैच के लिए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, प्रयागराज से है सेंट आर्ट का, जो तरीके से उन्होंने कलाकारी दिखाई है, टीम इंडिया को बधाई दी है। सेंट आर्टिस्ट का नाम है अजय, इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं और इसके पहले भी इन्होंने अपनी कलाकारी से लोगों का दिल जीता है, और वो अब टीम इंडिया को उन्होंने अग्रिम बधाई देते हुए एक सेंट आर्ट बनाया है जिसकी काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। अब ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए सेंट आर्ट अजय कुमार ने टीम इंडिया को बधाई दी है अपने सेंट आर्ट कलाकार से, जिस तरीके से उन्होंने कलाकारी दिखाई है। बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस तरीके से वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और पूरा देश पूरे भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, हालांकि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने जोरदार प्रदर्शन किया है और अभी तक पूरी जो भारतीय टीम अपराजेय रही है, ऐसे में कल जो है कंगारियों के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल होना है और पूरे देश की निगाह है भारतीय क्रिकेट टीम के जीत के लिए, दुआएं कर रहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम इस समय अपने अच्छे लय में दिख रही है और लगभग हर टीमों को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में जब कल भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में सामने आएगी तो किस तरीके से तस्वीरें होंगी, किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम को जीत के लेकर यहाँ पर किस तरीके से जो पूरा देश लोग दुआएं कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है विश्व विजेता बने, वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम उठाए। ऐसे अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां हम आपको दिखाएंगे, ये प्रयागराज की है और प्रयागराज का ये संगम तट का VIP घाट है। अगर VIP संगम तट की बात करें तो संगम तट में आने वाले 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है जिसमें करीब 500 करोड़ लोग आएंगे, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये वही तस्वीरें हैं और खास तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम लगातार वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में जो भारत देश के युवा है उनकी दुआएं है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते। हालांकि यहाँ पर सैंड आर्ट बनाया जा रहा है, जो सैंड आर्ट है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सैंड आर्ट कलाकार है अजय गुप्ता, उनकी टीम है। और अजय गुप्ता के बारे में बता दें, अजय गुप्ता वर्ल्ड कप को लेकर इन्होंने ये जो सैंड आर्ट बनाया और तमाम ऐसे सैकड़ों सैंड आर्ट इन्होंने प्रयागराज में बनाए हैं जिसको जागरूकता अभियान भी कहा जाए, हालांकि इनको तमाम पुरस्कार भी प्राप्त है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सैंड आर्ट बनाया है और क्या उद्देश्य है इनका, क्या कहना चाहेंगे। देखिए जैसे मैं बता दूं, हम लोग काफी एक्साइटेड हैं हमारी टीम द्वारा और ये सैंड आर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड कप का, क्योंकि बहुत ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब इंडिया और का मैच होता है या अदर कंट्रियों से, तो ये फाइनल मैच है और ऑस्ट्रेलिया से है तो काफी डट के मुकाबला करना पड़ेगा अपनी टीम इंडिया को, और हम लोग उनके मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे मित्र मनोज है, सीनियर जोनू प्रजापति है, बादल है, आशीष है और जय किशन जी है, और हम लोगों ने यहाँ पे सैंड आर्ट किया है और हम तो यही अपील करते हैं कि आप लोग भी भारत देशवासियों का मनोबल बढ़ाइए क्योंकि बिना मनोबल के
कुछ भी नहीं है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आ रहे हैं उस समय, और ये हम बता दें जीतेगा तो अपना इंडिया ही जीतेगा। अजय जी, आप तमाम लोग आपने सैकड़ों स्टैंडर्ड बनाए हैं प्रयागराज में, तमाम जागरूकता अभियान में भी आपने अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, किस तरीके से अभी तक आपको पुरस्कार मिले हैं? जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने और हमारे टीम के जो हमारे पार्टनर हैं मनोज जी, हम दोनों ने स्टैंडर्ड यूनाइटेड किंगडम से किया है, और हम लोगों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड रिकॉर्ड, वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम लोगों ने 450 फीट का बीड़ा बनाया था, और काफी अच्छा लगता है। हम लोग रिकॉर्ड ऐसे करते चले जा रहे हैं, बस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की जो स्टैंडर्ड है वो हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी तक पहुंचे, और हम लोग को कुछ ऐसा मनोबल वो भी बढ़ाए। भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, कल कंगारुओं के साथ फाइनल मैच है, हाई वोल्टेज मैच भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप भारतीय टीम के लिए? देखिए, अगर वो लोग कंगारू तो हमारी टीम भी पूरे पिंजरे के साथ वहां पे आएगी, हर एक कंगारू को कैद कर लेगी, जहां तक हमारी इंडिया कंट्री, तो सभी कंगारू को कैद कर लेगी जहां तक है, और हम लोग बहुत ही उत्साहित है इसके लिए, और बहुत ही हमारे मित्र मनोज है और काफी हम लोग उत्साहित है, और ये देखिए आप सैंडार्ड जिस तरीके से हुआ है, पूरा यहाँ पे संगम के आ गए हैं हमारे सैंडार्ड को देखने, और अब तस्वीरें भी दिखाएंगे नंदनी। ये देखिए, अगर हम पूरे इस समय भारतीय क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम के इस समय जो स्टार खिलाड़ी है उनकी तस्वीरें हैं, और ये जब कपिल देव कप्तान हुआ करते थे 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, और इस समय अगर भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो ये मोहम्मद शमी की तस्वीर है, और इधर तस्वीर है जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, अजय जडेजा, और ये बुमराह है, विराट कोहली जो सनसनी खेज है इस समय, और ये देखिए ये तस्वीर है, खासकर से युवाओं के हाथ में जो जोश है, युवाओं के दिल में जो जोश है, निश्चित रूप से वो भारतीय क्रिकेट टीम को एक बार फिर से वर्ल्ड कप जिताएगी। हम और भी लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने मोहम्मद शमी का पोस्टर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय क्रिकेट टीम को? सर, अभी तो पूरा देश क्रिकेट को लेकर बहुत ही जागरूक है, आप देख ही रहे हैं, और सब लोग रोमांचक हैं, क्योंकि जितनी भी मैचें अभी तक हुई है सब में इंडिया विजय हुआ है, और प्रचंड जीत हो रही है, तो इस बार जो हमारा फाइनल मैच है इसमें भी इंडिया जीतेगा, मैं श्योर हूँ कि इंडिया ही जीतेगा। और शमी की बात करें तो इस बार तो बल्ले बल्ले है शमी जी का, क्योंकि हर बार देखे विकेट के मामले में तो सिर्फ शमी जी ही बेस्ट है, और यहाँ पे तो बहुत अच्छा हम लोगों ने आज मेहनत की, ये पूरा हमारे लोग का स्टैंडर्ड जो है देश को समर्पित है ये स्टैंडर्ड जो आज का है। बिल्कुल, तस्वीरें और हम आपको दिखाएंगे, देखिए जिस तरीके से युवाओं की बात करें, और ये युवतियां हैं इनके हाथ में भी, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ऐसी तमाम तस्वीरें प्रयागराज में हमने कई स्थानों पर देखे, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपने स्टैंडर्ड भी बनाया है, और भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने के लिए, जिताने के लिए आप लोग यहाँ पर मेहनत करेंगे, क्या कहेंगी? मैं चाहती हूँ इंडिया ही जीते, और इंडिया ही जीतेगा, और हमें विश्वास है इंडिया ही जीतेगा। आप क्या कहेंगी, आपने बुमराह का पोस्टर लिया है, ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, तो हम मतलब हम सभी चाहते, पूरे भारतवासी चाहते कि इंडिया ही जीते, हम लोग की पूरी उम्मीद है कि यही जीते, इंडिया ही जीते। एक और हम तस्वीर आपको फिर से दिखाएंगे, ये हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए खास तस्वीरें हैं, और ये प्रयागराज के संगम तट की तस्वीरें हैं, ये प्रयागराज का संगम तट है जिसको वीआईपी घाट कहा जाता है, और ये वही वीआईपी घाट है जहां पर आने वाले 2025 में करीब 50 करोड़ जनता जो देश के कोने कोने से आएंगे इसी संगम में डुबकी लगाएंगे, और 2025 में जब यहाँ पर भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन होगा, तो ऐसे में जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं साफ तौर से अपने ओर आकर्षित करती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि प्रयागराज पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जानी जाती है, और प्रयागराज की तस्वीरें हमेशा से अपने लोगों की ओर आकर्षित करती है, और भी युवा हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले तो हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, देखिए तस्वीरें भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्टार खिलाड़ी है उनकी तस्वीरें हैं, रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, और रविंद्र जडेजा, बुमराह, विराट कोहली, और आपने यहाँ पर पोस्टर ले रखा है, भारतीय क्रिकेट टीम लगातार वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, कल फाइनल का मैच होगा, आप लोगों ने वहां पर स्टैंडर्ड बनाया, क्या कहेंगे? सर, हम अपने स्टैंडर्ड के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम पूरे भारत जो वर्ष है तो इंडिया मतलब फाइनल। हम एक बार और अजय जी के पास आएंगे, अजय जी चूंकि आप लगातार प्रयागराज में आपने तमाम सैकड़ों स्टैंडर्ड बनाए हैं, लोगों को तमाम आपने जागरूकता अभियान में भी अपनी सहभागिता दिखाई है, स्टैंडर्ड बनाए हैं, क्या कहना चाहेंगे फिर से? मैं देखिए बहुत ही उत्साहित हूँ, क्योंकि कल हमारा वर्ल्ड कप हमारे पास आने वाला है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं ये स्टैंडर्ड करना हमारी टीम के अलावा इसको करना मुश्किल हो जाता है, हम लोग सुबह से आते हैं,
हमारे मित्र मनोज हैं, जोनू भैया हैं, बादल हैं, काफी हम लोग सुबह से लगे हैं और ये उत्साहित हम लोग जो वर्ल्ड कप बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सर कि वर्ल्ड कप बनाने में जो उत्साहित है हमारे टीम के अंदर फूट फूट भर चुका है और कल इंडिया जीतेगी और समी की एक गेंद पे मैं तो चाहता हूँ कि एक ओवर पे तीन विकेट ले ले और काफी उत्साहित है सब सर। तो मैं काफी ये बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा बिल्कुल देखा तस्वीरें एकदम साफ तौर पर दिखा रहे हैं वाराणसी से जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी। दुआओं का दौर तब भी जारी था और अब भी जारी है। वाराणसी से पिछली बार हमने तस्वीर देखी कि गंगा आरती हो रही थी टीम इंडिया के लिए और अभी भी देखिए वहां का जो प्रयागराज की जो जनता है कितना प्यार दिखा रही है सैंड, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे वहां की आम जनता हो, तस्वीरें लेकर और लगातार अब दुआओं का दौर जारी है कि किस तरीके से कल टीम इंडिया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे। बिल्कुल एक और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरीके से अगर हम पूरे प्रयागराज की बात करें तो देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा स्टैंडार्ड बनाया गया और स्टैंडार्ड के ठीक सामने ये आपको वर्ल्ड कप की कलाकृति दिख रही होगी। कलाकृति के ठीक बगल में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जो पूरे भारत देश का गौरव कहा जाता है और ये किस तरीके से लहरा रहा, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में जब भारतीय क्रिकेट टीम कंगारुओं के साथ दो दो हाथ करेगी तो निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाएगी और निश्चित रूप से जो युवाओं की दुआएं है वो भारतीय क्रिकेट टीम को निश्चित रूप से वर्ल्ड कप का विजेता बनाएगा। हालांकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट टीम पूरे देश को एक बार फिर से गौरवान्वित करेगी। जी नंदिनी बिल्कुल पवन, देखिए यही दुआओं का दौर तब भी था और अब भी है। वाकई में कल टीम इंडिया की जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो देखने के लायक होगी और हमारा ही वर्ल्ड कप होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।